देश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुषमा चौहान स्कूल ऑफ साइंसेस से आपको लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ। ये लेक्चर आपके SLM UGBY 103 प्लांट डाइवर्सिटी 1 से होगा। लेक्चर शुरू करने से पहले, टॉपिक बताने से पहले, मैं आपको इस SLM के में जो कोर्स है उसके बारे में डिटेल में बताना चाहूँगी। इस SLM में जो कोर्स कवर किया गया है वो बैक्टीरिया, वायरस, लाइकेन, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। पूरे SLM को 2 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है और 8 यूनिट्स हैं। दोनों ब्लॉक में 4-4 यूनिट्स हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको पहले इस SLM के जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जब आप इस कोर्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर जो ब्लॉक 1 है वो प्लांट डाइवर्सिटी 1 का, इसमें 4 यूनिट हैं। यूनिट 1 जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और लाइकेन है। यूनिट 2 में एल्गी के बारे में बताया गया है। यूनिट 3 में भी एल्गी है और यूनिट 4 में फंजाई है। अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर इन यूनिट्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। यूनिट 1 में हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे, जिसको कि आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और आज का मेरा लेक्चर इसी के ऊपर होगा जो हम आगे बताएंगे। इसके बाद इसमें वायरस के बारे में बताया गया है, जो कि आपका लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के कैरेक्टर को रखता है। यहाँ पर प्लांट वायरस और एनिमल वायरस दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके पश्चात लाइकेन्स हैं, जो कि डुअल ऑर्गेनिज्म हैं और ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है इसमें एल्गी और फंजाई का। यूनिट 2 में एल्गी है और इस पोर्शन में आपको मॉर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल मिलेगी कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी के जीनस की, लाइक नॉस्टॉक, क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, एक्टोकार्पस, फ्यूकस एंड पॉलीसाइफोनिया। इसी तरह से यूनिट 3 में एल्गी 2 जिसका कि नाम है, इसमें हम एल्गी से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जैसे कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गा, एल्गी का क्लासिफिकेशन और उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यूनिट 4 फंजाई है, जिसमें कि हम फंजाई के जनरल हैबिट, हैबिटेट, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीनस की लाइफ साइकिल के बारे में भी दिया हुआ है, लाइक फाइटोफ्थोरा, राइजोबस, पक्सीनिया, सर्कोस्पोरा, और इन सब के साथ साथ फंजाई की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं ब्लॉक 2 की, प्लांट डाइवर्सिटी 1 के। ब्लॉक 2 में यूनिट 5 और यूनिट 6 ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड है और यूनिट 7 और यूनिट 8 टेरिडोफाइट्स से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये फर्स्ट लैंड प्लांट हैं, एम्फीबियन प्लांट किंगडम भी कहलाते हैं। यूनिट 5 में ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें कि हम जीनस पढ़ेंगे ब्रायोफाइट के, इंपॉर्टेंट जीनस लाइक रिक्शिया, मार्केंशिया, पीलिया, एंथोसिरस और स्फैगनम। अब देखिए, यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के बारे में अगर हम इन जनरल आपको बताना चाहें तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, और उस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। मतलब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसी तरह से यूनिट 6 में भी ब्रायोफाइट्स को ही कवर अप किया गया है। यहाँ पर ब्रायोफाइट्स की कुछ जनरल चीज़ें लाइक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में कैसे स्पोरोफाइट का इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में बताया गया है, और वो जो इवोल्यूशन हुआ है सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे हुआ है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी।
अब हम बात करते हैं यूनिट 7 और 8 की, जिसमें टेरिडोफाइट्स के बारे में बताया गया है। टेरिडोफाइट्स जो हैं ये प्लांट किंगडम के फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट हैं। वैस्कुलर प्लांट का मतलब जहाँ पर कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फ्लोएम आपके डेवलप हुए हैं। टेरिडोफाइट्स की जो पहली यूनिट है यूनिट 7, इसमें टेरिडोफाइट्स के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसकी स्टील का जो इवोल्यूशन हुआ है, कंडक्टिंग टिश्यू का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किस किस तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गया है। लाइफ साइकिल के पैटर्न के बारे में भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, और टेरिडोफाइट्स की जो एफिनिटीज़ हैं दूसरे के साथ उसके बारे में भी। टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं हैप्लॉयड, वो जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो यहाँ पर स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंट होती हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। और जो अगली यूनिट यूनिट 8 है टेरिडोफाइट्स की, इसमें हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और लाइफ साइकिल कुछ इंपॉर्टेंट जेनरा भी पढ़ेंगे, लाइक राइनिया जो कि एक फॉसिल जीनस है, लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, इक्विसेटम एंड मार्सिलिया। तो अब ये जो आपने अभी देखा ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था इस कोर्स का। तो जब आप इस पूरे कोर्स को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, लाइकेन, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पाएंगे। अब हम आज आपको पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कि यूनिट 1 से होगा, और यूनिट 1 में अभी हमने आपको बताया बैक्टीरिया के बारे में भी है, वायरस के बारे में भी है और लाइकेन के बारे में भी है। इस यूनिट को हमने दो लेक्चर में डिवाइड किया है। पहले लेक्चर में आज हम आपको बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे, अगला लेक्चर जब लेंगे तो उसमें वायरस और लाइकेन को कवर अप करेंगे। तो जो पहला लेक्चर बैक्टीरिया का है, इसमें हम आपको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और उसके पश्चात फिर हम उसमें रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। बैक्टीरिया की जो सेल होती है ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब प्रिमिटिव सेल, जिसमें कि ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इस बैक्टीरिया की सेल में अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए तो बाहर की तरफ इसमें सेल वॉल बनी हुई है। वैसे तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, और म्यूकोपेप्टाइड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ग्लूकोसामाइन और म्यूरामिक एसिड। बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनकी दोनों की जो सेल वॉल होती है इसमें अंतर होता है। एक्चुअली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है यहाँ पर म्यूकोपेप्टाइड की थिक लेयर होती है और लिपिड की लेयर कम होती है, जिसकी वजह से जब हम उसको ग्राम स्टेन से कलर करते हैं तो थिक म्यूकोपेप्टाइड की लेयर अपने अंदर ग्राम स्टेन को इंटरलॉक कर लेती है, इसलिए बैक्टीरिया हमें पर्पल कलर का कलर शो करता है ग्राम स्टेन के बाद। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वहाँ पर म्यूकोपेप्टाइड की लेयर कम होती है और थिक लिपिड की लेयर होती है, जिसकी वजह से वो ग्राम स्टेन को अपने अंदर लॉक नहीं कर पाता है। तो ग्राम स्टेन से जब हम उसको कलर करते हैं तो उसका पर्पल कलर जो है वो वॉश आउट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वॉल में, जिसके कारण उसको एक को हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे को ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, जो स्टेन को नहीं लेता है। अब देखिए कुछ बैक्टीरिया में एक स्लाइम लेयर का सिक्रीशन होता है, वो स्लाइम लेयर का जो कंटेंट है वो अंदर जो प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर होता है उसके द्वारा होता है। तो जहाँ पर आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वहाँ पर स्लाइम की जो लेयर होती है वो थिक हो जाती है और कैप्सूल के फॉर्म में हो जाती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो डिजीज कॉज करता है, तो वो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है, वो जो थिक लेयर आपकी कैप्सूल की बन रही है, उसका पर्पज़ क्या होता है कि एक तो वो बैक्टीरिया को डेसिकेशन से बचाता है, दूसरा उसकी वजह से बैक्टीरिया के ऊपर किसी भी तरह के एंटीबायोटिक का कोई असर
नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, उसके पश्चात अगर हम सेल वॉल के अंदर के देखें तो सेल वॉल के ठीक नीचे आप डायग्राम में देखिए वहाँ पर क्या बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसके अंदर की लेयर है उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो रेस्पिरेटरी एंजाइम रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और इसके साथ ही एक और स्ट्रक्चर उसमें दिख रहा है, वो है मीजोसोम। तो ये जो मीजोसोम्स हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया में इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं। वो इनफोल्डिंग्स मीजोसोम होती हैं। इन इनफोल्डिंग्स में भी आपके मौजूद होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो कि रेस्पिरेशन में अपना रोल प्ले करता है। बैक्टीरिया में बाहर की तरफ फ्लैजिला होते हैं जो उसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में स्ट्रेट छोटी छोटी अपेंडिसेस पाई जाती हैं जो कि पिल्लई कहलाती हैं। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की तरफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप फिगर में देखिए, आरएनए भी मौजूद है, राइबोसोम भी मौजूद है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वर्ड जो यूज़ किया गया है, ये डीएनए के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल है, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है। मतलब जब ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है तो जो न्यूक्लियोइड, जिसको हम कहने जो डीएनए होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर चूँकि प्रोकैरियोटिक है तो सिर्फ डीएनए सर्कुलर फॉर्म में मौजूद है, जिसको कि हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन अंदर इस न्यूक्लियोइड के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल होता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। वो प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर भी कहलाता है। और जिन बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड मौजूद होता है वो एफ प्लस स्ट्रेन कहलाते हैं, और जिनमें ये मौजूद नहीं होता है वो एफ माइनस स्ट्रेन कहलाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर था। अब बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, और उसके बेसिस पर भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। अब देखिए, ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। जैसे सबसे पहला जो एक इसमें बैक्टीरिया में सिर्फ एक पोल पर एक सिंगल फ्लैजिलम मौजूद है। तो जब सिंगल फ्लैजिलम मौजूद है तो इस तरह का बैक्टीरिया जो है वो कहलाता है मोनोट्राइकस। अब आप बी वाले पर आइए, बी में एक पोल पर बहुत सारे फ्लैजिला मौजूद हैं, ये कहलाता है सिफेलोट्राइकस। तो सिफेलोट्राइकस में क्या होता है कि दो या अधिक फ्लैजिला एक बैक्टीरिया के मौजूद हैं, तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। उसके पश्चात जो नेक्स्ट है उसको देखिए, उसमें दोनों साइड पे एक एक फ्लैजिला मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। और उसी के बगल में एक और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हमने सी लेबल किया है, उसमें दो बने हुए हैं। तो एक जो दूसरा वाला है उसके दोनों पोल पर दो से अधिक फ्लैजिला मौजूद हैं। जब दो से अधिक फ्लैजिला दोनों पोल पर मौजूद होते हैं तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। उसके पश्चात आप डी वाले फिगर पर आइए, यहाँ पर जो बना हुआ है इसके चारों पूरी सरफेस देखिए फ्लैजिला मौजूद हैं। तो जब पूरी सरफेस पर फ्लैजिला मौजूद होते हैं तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। और वो बैक्टीरिया जिसके ऊपर किसी भी तरह का फ्लैजिला नहीं मौजूद हो वो कहलाता है एट्राइकस बैक्टीरिया। तो अब यहाँ पर आपने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखा और फ्लैजिला के बेसिस पर कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है उसका चार्ट आप यहाँ पर देखिए, तो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई किया गया है। पहली चीज़, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है इसको लीडरबर्ग और टेटम ने डिस्कवर किया था। और यहाँ पर जैसे कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन
सेक्सुअल इसको रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखिए रिप्रोडक्शन यहाँ पर दो तरीके का है, आप इस फ्लो चार्ट में देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है, बाय बाइनरी फिशन, बाय एंडोस्पोर, बाय सिस्ट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका भी तीन तरीके से है, बाय कॉन्जुगेशन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन, बाय ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन आपका अगेन दो तरीके का है, बिटवीन एफ प्लस एंड एफ माइनस स्ट्रेन, और दूसरा होता है एच एफ आर एंड एफ माइनस स्ट्रेन। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये एस टाइप और आर टाइप बैक्टीरिया के बीच में होता है। ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर बैक्टीरियो फेज के द्वारा होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो सबसे पहली प्रोसेस थी वो क्या थी, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में बैक्टीरिया को 20 से 30 मिनट लगते हैं, और बहुत तेजी से बैक्टीरिया इस बाइनरी फिशन के द्वारा मल्टीप्लाई करता है, और 24 आवर्स में लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इस प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। अब आप देखिए इसके फिगर को, यहाँ पर ए वाले फिगर में आप देखिए बैक्टीरिया की सेल बनी हुई है, सेल वॉल है उसके बाहर, उसके अंदर न्यूक्लियाइड और डीएनए का कंटेंट आपको दिख रहा है उस सेल के अंदर। अगर आप बी वाले फिगर पर आइए तो यहाँ पर देखिए जो इसके अंदर न्यूक्लियाइड होता है वो आपका डिवाइड कर रहा है, दो में एक्सटेंड किया हुआ है, और जब दो में वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड किया यहाँ पर विदाउट माइटोसिस से डिवाइड करेगा, और इसके डिवीजन के साथ ही आप सी वाले पर आइए तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन आपका शुरू हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है अगर आप सेल को देखेंगे तो वो बिल्कुल मिडवे सेल के की जो वॉल है उसके बीचों बीच से कॉन्स्ट्रक्शन ऊपर भी और नीचे भी बन रहा है, और वो जो कॉन्स्ट्रक्शन उसमें बन रहा है गड्ढा वो आपका किधर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सेंटर की तरफ ऊपर से भी और नीचे से भी जा रहा है, और ग्रो करता हुआ अगर आप डी वाले फिगर पर आइए तो देखिए वहाँ पर एक कंप्लीट पार्टीशन वॉल बन गई है दोनों साइड में, और एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट में एक आपका हाफ पोर्शन चला गया न्यूक्लियोइड का, और राइट साइड में हाफ पोर्शन चला गया। अब ये जो बीच में आपका पार्टीशन वॉल है ये थिक हो जाती है, थिक होने के बाद ये बीच से स्प्लिट करती है इस तरह से। ई वाले फिगर में देखिए कि यहाँ पर दो बैक्टीरिया की सेल आपको मिल रही हैं और दोनों के पास एक एक न्यूक्लियोइड है। तो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। इस तरह से 24 आवर्स में लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया के सेल प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए दूसरी वाली है बाय एंडोस्पोर। एंडोस्पोर जो होते हैं ये हाईली रेजिस्टेंट डॉर्मेंट बॉडीज होती हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तब बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जनरली जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं वो एंडोस्पोर के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। आप ए वाले फिगर में देखिए जो न्यूक्लियोइड है वो सेंटर में है, उसके बाद इस न्यूक्लियोइड एक साइड में आ गया, और उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन में सारा का सारा न्यूक्लियोइड और जो अंदर सेल का कंटेंट है वो एक जगह आकर के एक्यूमुलेट हो गया, और एक्यूमुलेट होने के बाद उसके चारों ओर एक मल्टीलेयर थिक वॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब वो पूरा ए, ऐसे आप बी में देखिए, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद अब ई में आप देखिए कंप्लीट एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है थ्री लेयर्ड वॉल के अंदर, जो न्यूक्लियोइड का कंटेंट अलोंग विद साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो बैक्टीरिया के सेल का है उसके साथ वो एंडोस्पोर बन गया। अनफेवरेबल कंडीशन में ये रेजिस्टेंट बॉडी एज इट इज पड़ी रहेगी, और जब कंडीशन फेवरेबल आएंगी तब वो इसमें से बाहर निकलेगा एंडोस्पोर, जर्मिनेट करके एक नई बैक्टीरिया की सेल को बनाएगा। अब इसके बाद जो तीसरा है बाय सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट का मतलब क्या होता है, खोल। खोल कहाँ चढ़ेगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो बैक्टीरिया की सेल अपने चारों ओर एक खोल बना लेती है, एक सिस्ट बना लेती है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो उस खोल से बाहर निकल करके एक नई बैक्टीरिया को जन्म देती है।
तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ बाय बाइनरी फिशन, बाय एंडोस्पोर एंड बाय सिस्ट फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला वाला प्रोसेस था वो था कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन दो तरीके का था, तो यहाँ पर हम पहले वाले को देख लेते हैं। पहले आप फिगर देखिए, यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस बना हुआ है आपके सामने वो है कॉन्जुगेशन बिटवीन एफ प्लस एंड एफ माइनस स्ट्रेन। एफ प्लस स्ट्रेन वो स्ट्रेन होता है जिसके पास, फिगर में आप देखिए, बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ उसके पास एफ फैक्टर और प्लाज्मिड और फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद है। एफ माइनस स्ट्रेन के पास सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए मौजूद है। जो एफ प्लस है वो डोनर होता है, जो एफ माइनस स्ट्रेन है वो रिसिपियंट होता है। जब एफ प्लस और एफ माइनस स्ट्रेन आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो जो एफ प्लस स्ट्रेन है उसकी लेटरल वॉल में एक अपेंडेज निकलती है जिसको हम सेक्स पाइलस कहते हैं, और वो ग्रो करती है टूवर्ड्स एफ माइनस स्ट्रेन। और जब वो एफ माइनस स्ट्रेन की लैटरल वॉल के कॉन्टैक्ट में आती है तो उसकी वॉल डिजोल्व कर जाती है। तो इस तरह से आप बी वाले में देखिए, जो बी वाला है वहाँ पर एफ प्लस और एफ माइनस के बीच में एक ब्रिज नुमा स्ट्रक्चर बन गया है जिसको हम कॉन्जुगेशन ब्रिज भी कहते हैं। अब इसी समय में जो एफ प्लस स्ट्रेन के अंदर प्लाज्मिड है वो रेप्लीकेट करता है। आप बी वाले फिगर में देखिए, एफ प्लस स्ट्रेन के अंदर दो प्लाज्मिड मौजूद हैं। अब इस दो प्लाज्मिड में से एक प्लाज्मिड आपका एफ माइनस स्ट्रेन के अंदर पास ऑन करेगा, किसके द्वारा, वो जो कॉन्जुगेशन ब्रिज या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपका बना है। अब सी में आप देखिए, एफ प्लस स्ट्रेन में भी एक प्लाज्मिड है और जो दूसरा वाला है उसमें भी एक प्लाज्मिड चला गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो डी में एफ दोनों स्ट्रेन, जो पहले एफ प्लस था वो भी एफ प्लस है और जो दूसरा वाला है उसके पास अगर प्लाज्मिड चला गया तो वो भी जो एफ माइनस स्ट्रेन था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एफ प्लस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो जब कॉन्जुगेशन एफ प्लस और एफ माइनस स्ट्रेन के बीच में होता है तो एफ माइनस स्ट्रेन आफ्टर कॉन्जुगेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एफ प्लस स्ट्रेन में। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन बिटवीन एच एफ आर एंड एफ माइनस स्ट्रेन। देखिए यहाँ पर जो एच एफ आर है ये हाई फर्टिलिटी मेल कहलाता है, इसको हम सुपर मेल भी कहते हैं, ये डोनर होगा। और जो दूसरा एफ माइनस स्ट्रेन है उसके पास सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए मौजूद है। एच एफ आर में क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ जो प्लाज्मिड है उसी बैक्टीरियल डीएनए में इंटीग्रेट कर जाता है। अगर आप बी वाले फिगर को देखिए तो वहाँ पर एफ करके लेबल किया हुआ है, एक पॉइंट आउट किया गया है, तो एफ जिसको लेबल किया गया है दैट इज द एफ फैक्टर और फर्टिलिटी फैक्टर और प्लाज्मिड का डीएनए है जो कि बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर गया है। यहाँ पर भी एचएफआर की लेटरल वॉल में सेक्स पाइलस बनेगा जो कि ग्रो कर रहा है किसकी तरफ, एफ माइनस स्ट्रेन की तरफ। और जब वो उसके लेटरल वॉल के कॉन्टैक्ट में आएगा, वॉल डिजोल्व हुई और एक कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया HFR और F- के बीच में। अब यहाँ पर जो HFR के अंदर DNA है वो आपका खुलेगा किस जगह से, जहाँ पर F फैक्टर मौजूद है, और रेप्लीकेट करेगा। लेकिन आप D वाले फिगर में ध्यान दीजिए, जो रेप्लीकेशन हो रहा है वो उस एंड से हो रहा है जिस एंड पर F फैक्टर नहीं है। F फैक्टर तो डॉट के फॉर्म में दूसरे साइड में है। अब ये जब रेप्लीकेट करेगा HFR का DNA तो वो उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा पास ऑन हो रहा है किसमें, एफ माइनस स्ट्रेन में, डी वाले में। अब ई वाले पर आप देखिए कि जो यहाँ पर था उसका जेनेटिक मटेरियल वो एफ माइनस स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया। देखिए यहाँ पर कंप्लीट रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है, बीच में ही वो टूट जाता है। तो जो एफ माइनस स्ट्रेन है उसमें एफ फैक्टर का पोर्शन रेप्लिकेट होकर के नहीं पहुँच पाता है। पहुँचता कौन सा पोर्शन है, जो एच एफ आर का जेनेटिक मटीरियल था। इसलिए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो एफ माइनस स्ट्रेन का चेंज होगा लेकिन वो एच एफ आर में कन्वर्ट नहीं होता है। मतलब एच एफ आर वाला जो स्ट्रेन है वो तो एच एफ आर रहता ही है, लेकिन जो एफ माइनस स्ट्रेन है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज हो रहा है लेकिन वो एफ माइनस स्ट्रेन ही रहता है। अब देखिए जो दूसरी प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया में
ग्रिफिथ ने स्टडी किया था। और यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक है कैप्सुलेटेड, दूसरा है नॉन कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को हम एस टाइप बोलते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड को आर टाइप भी कहते हैं। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होता है वो पैथोजेनिक होता है और ये निमोनिया कॉज करता है। जब यहाँ पर हीट किल किया गया कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को और उसके पश्चात उसको मिक्स कर दिया गया नॉन कैप्सुलेटेड और आर टाइप वाले के साथ, तो जो आर टाइप स्ट्रेन था, नॉन कैप्सुलेटेड था, वो कैप्सुलेटेड में कन्वर्ट हो गया। हुआ क्या यहाँ पर, जब उसको हीट किल किया गया तो जो उसका जेनेटिक मटीरियल था वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की जो वॉल है उसको एड्जॉर्ब कर लेती है, वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और उसके अंदर जब उसका जेनेटिक मटीरियल पहुंच जाएगा कैप्सुलेटेड वाले का, तो जो नॉन कैप्सुलेटेड है वो भी आपका एस टाइप में या पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखो, जेनेटिक मटीरियल आपका ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र होने के पश्चात जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है आपका नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का चेंज हो गया। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के द्वारा भी बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। ट्रांसडक्शन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बैक्टीरिया में जिंडर और लीडरबर्ग ने स्टडी की थी। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरी बैक्टीरिया के सेल में ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरियोफेज के द्वारा। बैक्टीरियोफेज जो हैं वो वायरस होते हैं और ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में फिगर को देखिए, यहाँ पर जो फिगर ए है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया की सेल बनी हुई है जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए है, उसके ऊपर एक फेज पार्टिकल बैक्टीरियोफेज लगा हुआ है। बैक्टीरियोफेज जब उसके अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए अटैच होता है तो फेज का डीएनए बैक्टीरिया की सेल के अंदर एंटर कर रहा है और एंटर करने के बाद देखिए एरो बना हुआ है, इसका मतलब वो किधर जा रहा है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ जा करके इंटीग्रेट हो जा रहा है। जब वो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो जब वो वहाँ से डिटैच होता है फेज का डीएनए, तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि उसके साथ में कुछ पोर्शन बैक्टीरिया के डीएनए का भी चला जाता है। अब इसके पश्चात बी वाले में आप देखिए कि बैक्टीरियल डीएनए भी मल्टीप्लाई कर रहा है फेज के डीएनए के साथ, फेज के पार्टिकल्स बन रहे हैं और जब असेंबल हो करके एक कंप्लीट फेज पार्टिकल आपका बन रहा है सी वाले फिगर में आप देखिए और वो बाहर निकल रहा है, तो उस फेज के डीएनए में कुछ पोर्शन बैक्टीरिया के डीएनए का भी चला जाता है। अब देखिए, अब इस तरह का जो फेज पार्टिकल है या बैक्टीरियोफेज है, जब दोबारा मल्टीप्लाई होने के लिए किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल में जाएगा, जैसे कि आप डी वाला डायग्राम देखिए, बैक्टीरियल सेल 2 जिसको मेंशन किया गया है, यहाँ पर इस तरह का फेज पार्टिकल या बैक्टीरियोफेज जिसके पास फेज डीएनए के साथ साथ पहले वाले बैक्टीरिया के सेल का भी डीएनए मौजूद है, जब वो मल्टीप्लाई करने के लिए जाता है तो बैक्टीरियल डीएनए भी फेज डीएनए के साथ बैक्टीरिया की सेल के अंदर एंटर करता है और वो जा करके फिर क्या करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए में इंटीग्रेट करेगा। फिर जब मल्टीप्लाई होने के लिए वो अलग होता है तो वो पहले वाले बैक्टीरिया के सेल का डीएनए वहाँ पर जब छूट जाता है, तो ई वाले फिगर को आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसडक्टेड डीएनए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने पोर्शन को ट्रांसडक्टेड लेबल किया गया है वहाँ पर बैक्टीरिया के डीएनए के साथ साथ जो पहले वाला बैक्टीरिया था, जो दूसरा बैक्टीरिया था जहाँ पर पहले वो मल्टीप्लाई किया था, तो उसका भी डीएनए का पार्टिकल यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से बैक्टीरिया के सेल में दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटीरियल के आने से जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट उस बैक्टीरिया का क्या हुआ, चेंज हो गया और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसडक्शन के द्वारा इस तरह से बैक्टीरिया में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसे हुआ, कॉन्जुगेशन के द्वारा हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हुआ और ट्रांसडक्शन के द्वारा हुआ। तो अब ये आपने बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखी, अब हम आगे चलते हैं बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के ऊपर।
बैक्टीरिया जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है, और इसकी एक्टिविटी हार्मफुल भी है और यूज़फुल भी है, मतलब ये हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो पहले हम इसकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। यूज़फुल एक्टिविटीज़ में पहली हेडिंग देखिए आपकी क्या है, नेचर्स स्कैवेंजर। नेचर्स स्कैवेंजर का मतलब ये हुआ, वो स्कैवेंजर का मतलब सफाई का काम करता है वो प्रकृति में। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर आपका एनवायरनमेंट में मौजूद होता है, सॉइल में मौजूद होता है, उसको वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, और डिकम्पोज करके उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए दोबारा अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं, अपना जब खाना बनाते हैं तो वो ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से नेचर में जो बैक्टीरिया मौजूद हैं वो नेचुरल स्कैवेंजर का काम करते हैं। दूसरी हेडिंग पर आइए, दूसरी हेडिंग है आपकी एज नेचर्स फार्मर। नेचर में ये एक फार्मर का काम करते हैं। फार्मर का काम क्या होता है, वो अपनी सॉइल को हमेशा फर्टाइल बनाने का प्रयास करता रहता है, और इसी तरह से वो बैक्टीरिया जो नेचर में मौजूद हैं वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे, एक अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है, तो जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं कि जो प्रोटीन कंटेंट आपका मौजूद है एनवायरनमेंट में, सॉइल में, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर बैसिलस माइकोइडस और बैसिलस रामोसस नाम के बैक्टीरिया जो सॉइल में मौजूद होते हैं, जो भी प्रोटीन कंटेंट आपका डेड फॉर्म में जा रहा है सॉइल में, उसको ये किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में, और ये प्रोसेस आपकी कहलाती है अमोनिफिकेशन की। इसके पश्चात नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया में दो हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ये क्या करते हैं, अमोनिया का कन्वर्जन होगा नाइट्राइट में, और इसके कन्वर्जन की प्रोसेस को कौन करेगा, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो कि सॉइल में मौजूद है। फिर नाइट्राइट का कन्वर्जन नाइट्रेट में होता है, जिसको कि नाइट्रोबैक्टर करते हैं। अब देखिए, जो प्लांट हैं वो सॉइल से जो नाइट्रोजन लेते हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि और जो प्रोटीन आपके सॉइल में मौजूद है उसको वो डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसीलिए जो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, बैक्टीरिया मौजूद हैं, वो उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो दोबारा प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह से वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं ये आपके दो तरीके के होते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। एक आपका सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया हैं, दूसरे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया आपके सिम्बियोटिक एसोसिएशन में लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, जिसमें कि बैसिलस रेडिसिकोला, राइजोबियम लेग्यूमिनस, जो दाल वाले पौधे होते हैं उनके रूट नोड्यूल के अंदर जब ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं तो वो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया फ्री लिविंग कंडीशन में भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जैसे कि एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम। ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं फ्री एनवायरनमेंट में, और वो नाइट्रेट प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है फार्मर का काम करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, वहाँ पर जो भी मौजूद है प्रोटीन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और वो प्लांट के लिए अवेलेबल होती है। फिर अब नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री। बैक्टीरिया का रोल इंडस्ट्री में भी है। डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री में क्या है, कर्ड बनता है, चीज़ बनती है, मिल्क से बनती हैं, तो इन सारी चीज़ों को बनाने में किसका रोल है, बैक्टीरिया का रोल है। दही में आप जानते हैं दूध से दही का कन्वर्जन होता है, तो वहाँ पर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसी तरह से जब हम चीज़ बनाते हैं तो चीज़ में भी जो पहली प्रोसेसिंग होती है वो कर्ड में कन्वर्जन की होती है, उसके बाद वो फिर चीज़ में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो तो कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि
एसिड भी बनाने का काम करते हैं, जैसे कि जो आपकी शुगर कंटेंट है वो ईस्ट जो फंजाई होते हैं उससे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। फिर एस्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा एस्टोबैक्टर एसिटाई के द्वारा वो एस्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एस्टिक एसिड आपका केमिकल है। इसी तरह से ब्यूटेनॉल और एसिटोन नाम के केमिकल्स भी क्लॉस्ट्रिडियम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा ही कन्वर्ट होकर के बनता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया का रोल डेयरी इंडस्ट्री में भी है और एसिड प्रोडक्शन में भी इसका रोल है। अब हम आगे चलते हैं सीवेज डिस्पोजल पर। सीवेज डिस्पोजल, सीवेज क्या है? जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह वॉश आउट निकलता है जो सीवर सिस्टम में जानता है वो सीवेज कहलाता है। इस सीवेज के डिस्पोजल के लिए भी हम बैक्टीरिया की मदद लेते हैं। सीवेज में दो तरह का मैटर होता है, एक सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है। तो इसको डिस्पोज करने से पहले इसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं, तो जो सॉलिड स्लज होता है सीवेज का उसको डिकम्पोज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लॉस्ट्रिडियम, न्यूमोकोकस, लैक्टोबैसिला, ये सारे बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में। तो इस तरह से वो जो सॉलिड वेस्ट है सीवेज का वो हमारे यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पश्चात मेडिसिनल यूज है। बैक्टीरिया का मेडिसिन में भी बहुत रोल है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। नियर अबाउट 5000 एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, जिसमें से हंड्रेड्स आर अवेलेबल फॉर मेडिसिनल यूज़। तो ये आपने देखा यूजफुल एक्टिविटीज़ थी बैक्टीरिया की। अब हम बात करते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज़ की बैक्टीरिया की। पहला, फूड पॉइजनिंग और स्पॉइलेज ऑफ फूड। स्टेफलोकोकस और क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम नाम का जो बैक्टीरिया है ये हमारे अगर फूड आइटम में ग्रो कर गया तो वो उसको स्पॉइल कर देता है और वहाँ पर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और इस तरह के फूड का अगर कभी हम कंजम्पशन कर लें तो उससे डेथ हो जाती है और इसको कहते हैं बॉटुलिज्म। इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग, डिजीजेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट्स भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आता है। बहुत सारे डिजीजेज ह्यूमन बीइंग में बैक्टीरिया द्वारा कॉज होती हैं, लाइक कॉलरा, डिफ्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, लेप्रोसी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, सिफिलिस, टिटनस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा प्लांट्स में भी बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर, नींबू के पौधे पर, नींबू के फ्रूट पर, नींबू के लीफ पर डेंथ्रोमोना सिट्राई के द्वारा ये डिजीज होती है, जिसको कि हम सिट्रस कैंकर डिजीज कहते हैं। अब देखिए जो लास्ट हेडिंग है आपके हार्मफुल एक्टिविटी की, दैट इज डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया तो आपके मौजूद हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, जैसे कि बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ये जब वहाँ मौजूद होते हैं तो ये सॉइल की नाइट्रेट और नाइट्राइट को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं तो प्लांट्स तो उसको ले नहीं सकते, तो इस तरह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। इस तरह से ये आज का आपका लेक्चर बैक्टीरिया पर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इसको आप लोग पढ़िएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू।